Please subscribe to Hot Talk on PSX and don't forget to click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि एक सिलसिला मैंने नया स्टार्ट किया था अपने हॉट टॉक ऑन पीएसएक्स चैनल पे, जिसमें कि आपको बताया जाता था, मुकम्मल बताया गया था कि एक नया प्लेटफॉर्म हम शुरू कर रहे हैं बायनोमो के नाम से, ठीक है। और इस पे आपको ट्रेडिंग की ज़बरदस्त किस्म की वो ट्रिक्स भी बताई जाएंगी और तमाम आपको इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई थी मुकम्मल। तो आज आपके लिए हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं इसमें बायनोमो प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और आज आपको हम सारा कुछ बताएंगे मज़ीद। आप लोगों के जेन में भी कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हम अगर अपने रियल अकाउंट से ट्रेड करेंगे तो हमें तो काफ़ी सारी मालूमात चाहिए होंगी, काफ़ी सारी टेक्निक्स चाहिए होंगी जिसके बदौलत हम अपनी रियल ट्रेड कर सकें। तो दोस्तों, इस मैटर में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको हम तमाम वो ट्रिक्स, तमाम वो टेक्निकल्स जो जो भी इसमें इस्तेमाल होते हैं, सब कुछ आपको इसमें बताने जा रहे हैं वीडियो में। इसलिए आप मुकम्मल वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और इसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप भरपूर किस्म का सीख के अपने रियल ट्रेड का स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस सब के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप रजिस्टर हो जाएं बायनोमो के प्लेटफॉर्म पे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, आपने ऐसे करना है कि हमारी वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसमें बायनोमो का जो प्लेटफॉर्म है उसके लिंक को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना ईमेल डाल के अपना अकाउंट क्रिएट करें। उसके बाद आपने अपना डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस करके फिर रियल अकाउंट पे आ जाना है, फिर वहाँ पे आपने अपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों, फर्दर स्टेप आपने ये करना है कि आप अपने पोर्टफोलियो पे जाएं, कॉपी करें अपने आईडी को और उसको सेंड कर दें हमें। और इसके बाद हम ये करेंगे कि आप तमाम जो रजिस्टर्ड हो चुके होंगे बायनोमो पे, उन सब का हमें ग्रुप बनाएंगे और ट्वाइस अ वीक आप सबको वो तमाम टेक्निक्स मालूमात बताएंगे जो आपको नहीं पता है कि आपने ट्रेड करने से पहले क्या करना है, ठीक है। वो सब कुछ मालूमात आपको देंगे, हफ्ते में 2 दिन रखेंगे, ठीक है। वो आप सब लोगों के साथ, आप सब दोस्तों के साथ मशावरत होने के बाद वो 2 दिन रखे जाएंगे और उन 2 दिनों में आप सब, आपकी वो मुकम्मल जो है उसमें ट्रेनिंग होगी। तो दोस्तों, हरी अप स्टार्ट कर दें, आप तमाम दोस्त जो हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएं बायनोमो के प्लेटफॉर्म में। और अब हम आपको उसकी टेक्निक्स बताने जा रहे हैं और अपने आपने ब्रेन को बिल्कुल हमारी तरह मतवजा करना है और देखना है। तो दोस्तों, इसमें जो स्टार्ट करने से पहले हम आपको 3 थीम्स बारे में बताएंगे जो इसके बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, जिसमें सबसे पहला जो है, फर्स्ट थीम जो है इसका, वो है कि आपने डिपॉजिट करवाने हैं जी $10, और जिसमें आपका टोटल होल प्रोसेस जो है वो शो होगा, ठीक है। और सेकंड पे क्या होगा जी? सेकंड पे होगा 2 बेसिक स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स बताएंगे जो बिगिनर्स हैं इसमें, जो कि नए दोस्त आए हैं जिनको अभी कुछ पता नहीं है, हेलो हाय नहीं है, उनके लिए हमने 2 टेक्निक्स बतानी है हमने, जो कौन कौन सी है। नंबर 1 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और दूसरे नंबर पे बोलिंगर्स बैंड्स हैं, ठीक है, और उनके बारे में मुकम्मल वो डिटेल होगी। उसके बाद 3rd नंबर पे जो थीम है उसमें ये बताया जाएगा कि आप पहले 2 ट्रेड्स को जो इस्तेमाल करते हैं उसमें आपकी जो स्ट्रेटजीज आपको यूज़ करनी पड़ेंगी वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो दोस्तों, उसके बाद आप जो अपनी ट्रेड है उसको इसी तरह रिपीट करते जाएंगे और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने हम किस तरह से चलना। अच्छा दोस्तों, ये भी आपको मैं बताता चलूं कि आपने जो डिपॉजिट करवाना है इसमें डॉलर्स वगैरह जब डिपॉजिट करवाने हैं, वो उसका क्या मेथड है, क्या तरीकाकार। तो दोस्तों, इसका जो तरीकाकार है वो सबसे पहले ये है कि आप साइन अप हो जाएँ बायनोमो में। उसके बाद वंस इसको एक दफ़ा आपने लॉक्ड ऑन करना है, उसके बाद इसके इंटरफेस पे आके बायनोमो के, और उसमें जो है आपका यानी कि शो हो जाए कि आप इस वक्त ऑन है, ठीक है, ऑनलाइन है। उसके बाद आपने क्या करना है? तो दोस्तों, इसमें फिर आपने क्या करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ डॉलर्स 10 है, ठीक है। पहले ट्रेड में आप $10 आपने डिपॉजिट करवाने हैं और मेक श्योर कर लेना है कि आप ये TRC20 और ERC20 के थ्रू करवा रहे हैं। ये TRC और ERC ये कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है? ये असल में होता है ट्रांजैक्शन होती है USD डॉलर की, यानी कि ये आपकी जो USD में ट्रांजैक्शन होती है ये वो उनका मेथड है, और जब दूसरी ट्रांजैक्शन आप करेंगे
$14 की वो होती है, तो $14 की जगह $15 जमा करवाएंगे। वो क्यों कराएंगे? $1 इनके ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, ये इन्होंने कंपनी ने डिडक्शन कर लेनी है। तो ये दोस्तों आपके सामने ये मुख्तलिफ फुटेजेस के ज़रिए भी आपको बताया गया, समझाने की कोशिश की है बिगिनर्स के लिए कि आपने किस तरह से ये सारा मेथड करना है और किस तरह से ये सारा डिपॉजिट करवाना है, और उसके बाद आपने प्रॉफिट जो आपको आएगा, अब बिलफर्ज आपने $10 आपने जमा कराए थे, उसे ट्रेड किया, आपको $3 प्रॉफिट आया, तो आपका $3 आपके अकाउंट यानी कि $13 आएंगे। दोबारा दूसरी ट्रेड करेंगे तो वो दूसरी ट्रेड में फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप 10 से ऊपर कितने करते हैं या उससे ज़्यादा वो डिपॉजिट कराते हैं, वो आपकी एलो आई पे होगा। उसके बाद देखो दोस्तों, ये आपको मैं थोड़ा बताने जा रहा हूँ कि ये कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न और बुलिंगर बैंड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों ये ज़रा गौर से देखना है, अब मेन तवज्जो तलब बात आने जा रही है और इस पे आपने अपनी तवज्जो लूज नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखें जी ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। ग्राफ्स ये वो चीज़ें होती हैं जिससे हमें, जो आपने मिसाल के तौर पे डिपॉजिट कराया, उसके बाद ट्रेड करनी शुरू की, आपने कोई एसेट्स लिए यानी कि कोई स्टॉक बाय किया आपने, और वो जब स्टॉक बाय किया अब वो एकदम से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं आएगा, वो ऐसे है कि कभी ऊपर जाएगा, उसकी वैल्यूज़ कभी बढ़ेगी, कभी नीचे भी आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, इस तरह करके एक पैटर्न सा बन जाएगा, एक ग्राफ बनेगा। अब इसमें मैंने आपको बताना है कि सबसे पहले ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, कैंडल्स क्या होती हैं। अब ये देखें सबसे पहले, जैसे ये आपको रेड भी नज़र आ रहे हैं, इसमें ग्रीन भी वो नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे एक स्टॉक की आपने एंट्री डाली और वो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद वो चलता चलता एक जगह पे आके, जैसे डे स्टार्ट हुआ और एंड पे डे के टाइम पे क्लोज हो गया। अब आपको ये मैं एक आपके सामने एक वो रखने जा रहा हूँ व्यू कैंडल्स का, वो आपने गौर से देखना है। ये देखें आपके सामने कैंडल स्टिक आ गई बेसिक, ये देखें ग्रीन है। अब ये जो ग्रीन है इसको हम कहेंगे बुलिश कैंडल, और एक तरफ आपको नज़र आ रही है रेड, इसको कहेंगे बेरिश कैंडल, ठीक है। जो बुलिश है इसका देखें नीचे से लो स्टार्ट होता है, ओपन जहाँ पे लिखा है, ऊपर जाके ये क्लोज होती है और वो हाई है, तो इससे मुराद कि ये कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है, अपवर्ड की तरफ जाती है और ये पॉजिटिवनेस को शो करती है, यानी कि बुलिश कैंडल। और ये कैंडल साइज़ में बड़ी भी हो सकती है, जैसे आपके उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट का इजाफा आया, और थोड़ा कम भी हो सकती है, तो इससे मुराद के वो छोटी कैंडल बनेगी। उसके बाद रेड की तरफ आएंगे, ऊपर से स्टार्ट होती है क्योंकि डाउनवर्ड आती है, ऊपर से स्टार्ट होगी, नीचे की तरफ एंड होगी, और जो नीचे है वो इसका लोअर लेवल होगा लो, और ऊपर वाला अपर लेवल होगा हाई। और ये देखें ये नीचे क्लोज लिखा है, ऊपर ओपन लिखा, ठीक है, यानी कि ऊपर से ओपन हो रही है, नीचे आके क्लोज हो रही है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड होता है ये मार्केट का, तो ये चीज़ है। तो दोस्तों इसके बाद आपने क्या जजमेंट करनी है, इसमें इनसे क्या फ़ायदा उठाना है। पहले इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इन कैंडल्स में एक तीसरी किस्म भी होती है, इस तीसरी किस्म को क्या कहते हैं, डोजी क्वीन, ये डोजी कैंडल स्टिक्स। ये किस तरह से होगी, अब मिसाल के तौर पर देखें आप, मार्केट स्टार्ट हुई उसका जो ओपन टाइम है और एंड ऑफ द टाइम भी वो वहीं पर आके बंद होगी, यानी कि जो स्टॉक जहाँ से चला वैल्यू लेके वहीं पे आके बंद हो गया, जैसे वो $3 से चला $3 पे बंद हो गया, उसकी जो वैल्यू थी उसी पे बंद होगी, तो उसका एक डैश आ जाएगा जस्ट, ना तो उसमें कोई इजाफा हुआ ना कमी हुई, उसको हम कहते हैं डॉजी कैंडलस्टिक, ठीक है जी। और बुलिंगर बैंड्स इनके ये होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ, जैसे ये देखें ये ग्राफ आपके सामने आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझने वाली चीज़ है। अब ये देखें ग्राफ आपके सामने आ रहा है, इसमें जो सबसे नीचे वाला है मिसाल के तौर पे सबसे नीचे, अब आप देखें कि एक कर्व सी बनी है, उसके सबसे नीचे वाला जो डॉट है ना वो उसकी सपोर्ट है, ठीक है। ऐसी कर्व ऊपर गई है, ऊपर से जब नीचे की तरफ उसका टर्न पॉइंट आया, सबसे ऊपर वाला जो उसका पॉइंट है वो उसका उसकी रेजिस्टेंस है। इसी तरह क्या होता है, जब स्टॉक नीचे आता है तो अपनी सपोर्ट से वापस उठने के चांसेस होते हैं, दैट पॉइंट इज़ योर डिसीजन फॉर द बाइंग। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अब इसकी अपवर्ड डायरेक्शन होनी है, तमाम जितने भी जो इसमें इन्वेस्टर्स हैं ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। जब ये ऊपर चला जाता है फिर ऊपर जाके कर्व से मूव करने की नीचे कोशिश करता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे सेलिंग ट्रेंड शुरू हो जाता है, आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये आपको बड़े हिंट से दे रहा है ये बुलिंगर बैंड्स, इनको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी कहते हैं, नीचे वाली रेजिस्टेंस होती है, ऊपर वाली सपोर्ट होती है, ठीक है। इनको बुलिंगर बैंड्स का भी नाम दिया है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी नाम दिया है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इसकी भी समझ लग गई होगी, इंशाल्लाह दो चार ट्रेड करेंगे हमें मजीद भी पता चल जाएगा इसके बारे में कि इसको हमने कैसे लेके चलना है आगे और किस तरह से करना है, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इंशाल्लाह आपको फिर स्टेप बाय स्टेप वो समझ इसमें आती जाएंगी।
तो दोस्तों ये इसमें आपको ग्राफ भी दिए गए हैं, सब कुछ ये दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है। किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आपने वो रब्ता भी करना है कि ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, तो वो चीज़ हमें बताई जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारी आज की वीडियो थी, इस वीडियो को, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तीसरी वीडियो लेके आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है वो भी, तो इंशाल्लाह वो जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है वो आपके लिए अपलोड करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहज़ाद, अल्लाह हाफ़िज़।